अपने स्टूडेंट्स की टीम्स दें। तो हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स और कुछ ए लेवल के स्टूडेंट्स, हमारे साथ तकरीबन 100 बच्चे थे जो कि WHO ने मुख्तलिफ टीम्स बनाई और हमने उन इलाकों में उन बच्चों को भेजा चेक करने के लिए। तो उसमें हमें जो कुछ पता चला वो ये था कि गुलशन इकबाल जैसे इलाके में भी सिर्फ 80% कवरेज थी, 20% नहीं थी। ये तो गुलशन जैसे इलाके का हाल है। उसके अलावा घरों के ऊपर 3 लिखा हुआ है, उसमें 6 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से कोई आया ही नहीं जनाब, यही 3 बच्चों को पिलाए हुए हैं, बाकी 3 को नहीं पिलाए हुए। तो ये पूरे रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन किए थे। जब हमने ये बात दी WHO को तो उन्होंने हमारे उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स देने से भी इंकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, चीजें इस तरह नहीं है। तो वो आई ऊपर से वॉश कर दिया गया और इन चीजों को बिल्कुल उसको नोटिस ही नहीं लिया गया। तो ये हमने तहकीकात अपने स्टूडेंट्स के थ्रू बाकायदा रिसर्च की थी 3-4 साल पहले। तो ये जो आपको मैं 2-3 चीजें इसमें ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पोलियो इरेडिकेशन की मुहिम जो शुरू हुई वो 1988 में शुरू हुई। 46 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उन्होंने ये डिसाइड किया, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 1994 अप्रैल, तब से लेकर हमारी मुहिम चल रही। अच्छा, 4 उसूल बयान कर दिए गए कि इफ़ यू वांट टू रीच 0 पोलियो तो आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। 1, रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो पहले साल में 4 डोज मिलते हैं वो 90% बच्चों को मिलने चाहिए पॉपुलेशन के, जी बस। 1, 2, नेशनल इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम चलता है उसमें आपकी अंडर 5 जो बच्चे हैं उनको जो डोजेज मिलते हैं वो 95% कवरेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको रह जाएगा बहुत ही थोड़े से केसेस, 3-4 साल में आपको थोड़े से केसेस रह जाएंगे। जो थोड़े से केसेस रह जाएंगे उसकी सर्वेलेंस जो होनी चाहिए, सर्वेलेंस यानी वो जिसको कहते हैं कि जो केसेस डिटेक्ट होते हैं उनको फौरन पता करना, ठीक, तो उनके चारों तरफ मोपिंग अप वैक्सीनेशन, अगर ये चारों चीज़ें चल रही हों फिर तो आप 0 पोलियो पहुंच सकते हैं 3-4 साल में, जैसे चाइना ने किया, बांग्लादेश ने किया। मैं कतक लाइन माजे साथ करना, छोटा सा मुझे वक्फा लेना है जी, मैं यहीं से तय करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। ऑल्पर्स की नेचुरल डिजाइन देख कुवत हर दम, हर कदम पर अपनी सेहत का ख्याल रखो ताकि आज की हार कल की जीत बन जाए। जैसे अपनों से मिले हिम्मत हर कदम, ऑल्पर्स की नेचुरल गिजाइयत देख कुवत हर दम। शहरों में तो अभी सॉन्ग अनलिमिटेड के रोजाना पैकेज से पाकिस्तान भर में किसी भी सॉन्ग नंबर पर दिल खोल के बात करो सिर्फ 7 रुपए रोजाना में, और सर कह दो मजीद मालूमात के लिए 310 मिलाए या करीबी कस्टमर सर्विस सेंटर, फ्रेंचाइज या रिटेलर से राब्ता करें। सॉन्ग सब कह दो, 24 घंटे हिफाजत में माओ का हथियार डेटॉल। अगर एडवांस्ड हो गए हैं तो इनसे हिफाजत भी एडवांस होनी चाहिए ना। ये लीजिए लाइफ बॉय, एडवांस्ड लाइफ बॉय, ये नए पुराने 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम से बचाएगा। 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस्ड लाइफ बॉय। न्यूज 1 ऑल्पर्स की नेचुरल गिजाइयत देख कुवत हर दम। मम्मी से सीखा हिम्मत ना हारो ताकि आज की हार कल की जीत बन जाए।
जैसे अपनों से मिले हिम्मत हर कदम, ऑलपर्स की नेचुरल गिजाइयत, दे कुवत हर दम। 24 घंटे हिफाजत में माओ का हथियार डेटॉल। जरासीम अगर एडवांस्ड हो गए हैं तो इनसे हिफाजत भी एडवांस होनी चाहिए ना। ये लीजिए लाइफ बॉय, एडवांस्ड लाइफ बॉय। ये नए पुराने 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम से बचाएगा। 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस्ड लाइफ बॉय। अब बाय जिलेट सीरीज जेल से 3 गुना ज्यादा महफूज और आरामदेह शेव, वो भी 275 रुपए की शानदार रियायती कीमत में। This news update is brought to you by Varit. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान विक्टोरिया नोलैंड ने कहा है कि बलूचिस्तान पर करारदाद का मसला जुमे तक हल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान वज़ीर दाखला रहमान मलिक का कहना है कि बेनजीर कत्ल केस में कई मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, परवेज मुशर्रफ को इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। और दुबई में खेले जाने वाले चौथे एक रोजा मैच में पाकिस्तान के 238 रन के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। हमारे साथ आने के बहुत शुक्रिया माजिद खान, आपने मेरी बात काटी। मैं चाहूँगा वहीं से इब्तदा करें, लेकिन मैं साथ में उसमें एक एडिशन करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी जो लोग फेल हो रहे हैं उनको सजा दी जाए। मेरा ये अर्ज है कि एक तो आपने कह दी ये 4 चीज़ें हों तो गारंटीड है, लेकिन इसमें अगर ये 4 चीज़ें नहीं हो पा रही, और अगर मैं कहता हूँ जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वैक्सीन जो है ये इनफेक्टिव है, मेरा कसूर नहीं, मैं तो पूरा काम कर रहा हूँ, तो मेरी चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी और वो 4 चीज़ें हम कैसे करेंगे? देखिए, 4 चीज़ें अगर वैक्सीन इफेक्टिव ना होती तो यही वैक्सीन हमारे नेक्स्ट डोर नेबर जो हमसे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ पोलियो थे, सेम वैक्सीन उसने पिछले साल में बाकी दुनिया में दवा चली है, बाकी दुनिया में दवा चली है और हमारे नेक्स्ट डोर नेबर में भी चली है। ठीक, यानी इंडिया ने 0 पोलियो कर दिया 14th of January 2011, तो उन्होंने एक साल मना भी लिया और सेलिब्रेट भी करने वाले हैं, जबकि इनके नंबर ऑफ केसेज पोलियो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थे, कहीं ज़्यादा थे, और 6 times मोर पॉपुलेशन। ओके, सेम वैक्सीन। अच्छा, कवरेज अगर आपकी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो फर्स्ट ईयर में 4 डोजेज जो चाहिए वो आपको 90% चाहिए, उसके आपके नेशनल फिगर्स ऑफिशियल फिगर्स बता रहे हैं कि हमारी कवरेज जो है 50% है। इसका मतलब हाफ ऑफ अवर चिल्ड्रन आर अनइम्यूनाइज। आप देखिए कि जो लास्ट केस पोलियो का रिपोर्ट हुआ है उसमें आपने देखा ना कि ही हैड रिसीव्ड 0 डोज। तो इन्होंने जो अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एग्री किया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की जो हो रही थी उसमें भी ये कहा गया था कि 90% कवरेजेस और 95% कवरेजेस इन नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए और पोलियो नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होगी ना कि आपके कवरेजेस से होने चाहिए और नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में भी 95, ताकि पोलियो ना हो। अगर कवरेजेस सही नहीं है या नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में भी क्वालिटी ऑफ कवरेजेस सही नहीं है या पोलियो के केस हुए हैं, तो देन पीपल रिस्पॉन्सिबल शुड बी अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि उनको वहाँ से हटा के अच्छी जगह पर डाल दिया जाता है और बताया जाता है कि जी हमने अकाउंटेबिलिटी, अच्छी कारकर्दगी भी तो यही मिलेगा, जो काम सौंपा गया है अगर काम सही कर रहे हैं तो तरक्की मिलेगी। अब इसकी आपकी शिकायत कर रहे हैं, ये तो आपकी नाइंसाफी है। डॉक्टर साहब, मैं आना चाहूँगा कि हम इसको कैसे सही करें, लेकिन उसके लिए लाजिम ये है कि मैं समझूँ कि मेरी कोताही कहाँ है। अगर मैं कोताही नहीं समझूंगा मैं सही कह, तो आपने रोशनी डालनी है कि मैं फेल क्यों कर रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने फरमाया कि 4 साल अगर डोज मिले, तो क्या एक मुल्क पाकिस्तान अगर 2012 में कसम खाता है कि हमें 0 पोलियो करना है, तो आप फरमा रही हैं कि 4 साल में, एम आई करेक्ट, 4 से 5 साल में हम 0 पोलियो पे जा सकते हैं? कर सकते हैं। अगर जम के 4 से 5 साल काम किया जाए, 2 साल में भी, दो में भी हो सकता है। इंडिया ने किया, 2 साल में। अच्छा, मैं इस पर बाद में कॉमेंट करूंगा, आप फरमाइए। देखिये, बात यह है कि ये एक है पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप हमारे बच्चों के लिए है, जहाँ के हमारे वालदेन की भी